कृष्ण और कबीर, कृष्ण और कबीर दोनों ऐसे महापुरुष हैं जिनकी अंदर तेज शक्ति ऊर्जा अद्भुत है। दोनों महापुरुषों की रास एक है, कौ से कबीर कौ से कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में होता है तो उधर सदगुरु कबीर साहेब जल में एक तालाब में पाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा यशोदा माँ करती है और उधर सदगुरु कबीर साहेब का पालन पोषण नीरू और नीमा करते हैं। दोनों महापुरुष अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। कृष्ण भगवान का गुरु अंगिरा गंगाचार्य शिक्षा गुरु संदीपनी और इधर सदगुरु कबीर साहेब के गुरु रामानंद जिन्होंने काशी के मशहूर महात्मा थे। तो कबीर और कृष्ण दोनों अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि इन महापुरुषों के अंदर इतना करेजा था जो कहा जाता है कि एड़ी से चोटी तक करेजा ही करेजा था। इन दोनों महापुरुषों के अंदर भय नाम का कोई चीज़ नहीं था। भगवान कृष्ण बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया, लगता था कि सबकी कुंडलियां इनकी पास है। दुष्टों को मारकर और संत समाज का इन्होंने उद्धार किया, जनता का कल्याण किया। और सदगुरु कबीर साहेब भी ढोंग पाखंड चमत्कार अंधविश्वास इन सबों पर प्रहार कर और शुद्ध आत्म ज्ञान को आगे बढ़ाया। इधर भगवान कृष्ण भी अब सोचिए कि जिस हिंसा की बात सदगुरु कबीर साहेब आज से 600 वर्ष पहले खुलकर करते हैं, उस हिंसा के विरोध कृष्ण भगवान वैदिक काल में ही करते हैं। इंद्र से लोहा लेते हैं कि यज्ञ में पशु बलि नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में आता है कि इंद्र को जब पता चलता है कि कोई कृष्ण नाम का सरदार है, 10,000 सेनाओं का नायक और यज्ञ का वो विरोधी है, तो खोज कर युद्ध करते हैं। उस जमाने में भगवान कृष्ण ने हिंसा का विरोध किया था और अहिंसा को पालन करने के लिए कहा था। और भगवान सदगुरु कबीर साहेब इस बात को बताते हैं। भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि हे अर्जुन, ये वही आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, जिसे काटे कट नहीं सकता, जलाए जल नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, माटी मिला नहीं सकती। हे अर्जुन, इसको तुम जानो, इसी को ऋषि मुनि ध्यान करते हैं और इसको जो जान गया वही जाननहार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम जाने बिन भव मूढ़ मुआ संसार, राम नाम निज जान के छाड़ दे वस्तु खूद। भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं, विचार कीजिएगा नंद बाबा से, कि बाबा आदमी जो सबके हृदय में अपने इष्ट देव को नहीं देखता है, उसे संत समाज सौभाग्य से मिलता नहीं है, सौभाग्य नहीं वो मिलता है संत समाज से मिलने का। आदमी तीर्थ को नदिया को तीर्थ मानता है, पत्थर की मूर्तियों के देवता मानता है, लेकिन वास्तव में संसार के नर नारी ही देवता है, संत महात्मा ही तीर्थ और देवता है। इतनी सुंदर बात भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं। सोचिए जिस बात को सदगुरु कबीर साहेब भी कहते हैं कि आपे बाहुरे आप से आना, हृदय बसे ते राम न जाना, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोगरा अला राम का सो गुर पीर हमारा, दिल में खोजो यह करीमा हो रामा। सदगुरु कबीर साहेब भी इस बात को कहते हैं। तो दोनों महापुरुष अपने जीवन में संघर्ष किए, ज्ञान दिए। उस समय एक आपस में होर मची थी कि ज्ञान मार्गी बढ़िया है कि कर्म मार्गी आगे है कि भक्ति मार्गी आगे है। भगवान कृष्ण ने गीता में तीनों को समभाव कहा कि तीनों की जरूरत है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको जरूरत है ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी और भक्ति मार्गी। हाँ, कुछ लोग कर्म में आगे है तो ज्ञान में थोड़ा पीछे रहते हैं, कुछ लोग श्रद्धा में जाते हैं तो भक्ति में कर्म में पीछे रहते हैं, इनमें कोई बात नहीं है। सबको सब नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरत सबको है। सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में हिंदू और मुस्लिम का
प्रपंच चल रहा था, हम बड़े हैं हम बड़े हैं, ब्राह्मण और शूद्र में था। सदगुरु कबीर साहब इसका झगड़ा मिटाते हैं और कहते हैं, उन्होंने हिंदू कहे मोई रामय प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मर मुए मरम कोई नहीं जाना। एक कह तो चाहल मन मुत्रा, एक रूधिल एक गुद्दा, एक कह बुंद से सृष्टि रचलवा, को ब्राह्मण को छुद्रा। कहत कबीर हम जात पुकारी, पंडित होई ते ले बिचारी, साचे एक अल्लाह के नाम, जुगन जुगन मैं करूँ सलाम। अल्लाह राम जी ये तो नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई। कबीर साहब खंडन भी करते हैं और मंडन भी करते हैं। तो ये दोनों महापुरुष, एक महान पुरुष भगवान कृष्ण भी जरा सिंध से परेशान होकर, और एक दिन रात में मीटिंग करते हैं और कहते हैं अपने ग्वाल बाल सेनाओं से कि हम लोग मार्कंडेय पुराण के अनुसार कि हम लोग 100 वर्ष तक अगर लड़ेंगे फिर भी जरा सिंध को मार नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा धन जन नुकसान हो रहा है, हम लोग को रात ही रात मथुरा छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए। सोचिए जो आदमी एक बित्ता नहीं आज के ज़माने में छोड़ता है, परहेज करता है, भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर जाकर द्वारिका बसाते हैं और उचित समय देखकर जरा सिंध के वध करते हैं। ये है महान पुरुषों की पहचान। सदगुरु कबीर साहेब काशी में थे, 119 वर्ष की उनकी अवस्था हो चुकी थी। इधर मगहर में ये भरम था कि मगहर में मरने से लोग गधा होते हैं। बिजली शाह गए, जिन बिजली शाह का आज भी वहाँ कब्र है मगहर में, वो गए और सदगुरु कबीर साहब से हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु आप मगहर चलिए, आपके अलावा कोई इस भरम को दूर नहीं करता है, वहाँ लोग बसना नहीं चाहते हैं, वहाँ की भूमि मगहर की ऊसर होती जा रही है, इसलिए आप चलिए मगहर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम जरूर चलेंगे, और चलने से पहले उन्होंने अपने बीजक में इस बात को लिखा कि जो पानी पानी मिल गए हूँ त्यो धूर मिला कबीरा, जो मिथिला के सच्चा ब्याज तोरो मरण हुई मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे अंत मरे तो, का काशी का मगहर ऊसर, जे पर राम भरोसे मोरा, जो काशी तंत जय कबीरा, राम नाम का कवन निहोरा। सदगुरु कबीर साहब इस बात को पहले कह दिए जाने से पहले, अन्यथा जो पंडित लोग कहे थे कि कबीर साहब तो हाथ गोर कटा के काशी में मरने के लिए बैठे थे तो ये बात सही हो जाता, लेकिन सौभाग्य की बात के जाने से पहले सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में इस बात को लिख गए। तो दोनों महापुरुषों के अंदर जिससे 119 वर्ष की उम्र जर्जर अवस्था में सदगुरु कबीर साहेब काशी छोड़कर गए, ये बड़ी बात है। आदमी जर्जर अवस्था में माया मोह में और घिर जाता है, और ये पूरे जीवन काशी में रहकर और आखिरी में मगहर गए और उस भ्रम को दूर किए। तो ये दोनों महापुरुष के अंदर अजूब अद्भुत शक्ति है, अद्भुत साहस है, इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों का दमका विदेश में भी बाजा है। जहाँ में सबसे आला इंडिया, जहाँ गुरु दक्षिणा दिहना कृष्ण लाला, जहाँ में सबसे आला इंडिया, ये दोनों महापुरुष को मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ कि ये दोनों एक समान है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये दोनों महापुरुष एक से एक है, और तुलना तो कभी किसी के नहीं हो सकता है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण है और कबीर कबीर है। तो ये दोनों महापुरुषों की कितनी जीवन शैली एक जैसी मिलती है, आइए हम इसी को साथ अपनी बारी को समाप्त करते हैं।